इसको उड़ा देगा अभी। देखिए दोस्तों, देख लीजिए, हटा दिए तो आपका कहीं भी शॉर्ट रहेगा दोस्तों, ये हटा देगा तो 100% वर्किंग करेगा दोस्तों। फिर से DKP रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, शॉर्ट किलर कैसे बनाते हैं मोबाइल बैटरी से। आपके पास आइटल का हो या जियो का हो चाहे एंड्रॉयड का हो दोस्तों, तो आप इसका शॉर्ट किलर आसानी से बना सकते हैं। इसको क्या क्या करना होगा, क्या क्या लगेगा दोस्तों, तो इस पूरा जानकारी देंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल सके दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इससे बहुत वीडियो में आपको देखे होंगे कि इससे शॉर्ट किलर मतलब बनाए थे, बहुत वीडियो में देखे होंगे इससे हम बहुत मोबाइल को रिपेयर किए थे, शॉर्ट निकाले थे। तो मैंने भी इसी तरह इसमें किए हैं दोस्तों, बॉक्स है खाली एक, नहीं तो इधर कुछ नहीं दोस्तों, बैटरी केबल है। तो आपको बनाने आज सिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। को करना क्या दोस्तों, जैसे इसका जो बैटरी के अंदर मशीन रहता है ना दोस्तों, उसको निकाल के केवल बैटरी का काम है दोस्तों, केवल बैटरी का काम है। क्योंकि वो जो मशीन रहता है, किट लगा हुआ रहता है, उसमें मतलब लगा हुआ रहेगा तो शॉर्ट किलर नहीं बनेगा दोस्तों, उससे नहीं होगा। तो उसको हटा के आपको काम करना है, चाहे इस तरह बैटरी हो। देखिए जैसे इसमें है दोस्तों, अभी इसमें नहीं हटाएं, इसमें तो मैंने हटा दिए हैं, इसमें नहीं हटाएं। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह हटाना है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, चिमटी मतलब इधर नहीं घुसना चाहिए, तो ये थोड़ा जलने लगता है, मतलब ब्लास्ट होने का चांस रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इधर को नहीं, इसमें मतलब चिमटी नहीं घुसना चाहिए इधर, थोड़ा सावधानी से दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें जो कीट है दोस्तों, किट को उतार लेना है यहाँ से, सोल्डिंग की मदद से ये उतर जाता है आराम से दोस्तों। किट का कोई ज़रूरी नहीं है, केवल इस दो वायर का जरूरी है दोस्तों, मतलब माइनस प्लस, इससे दो को तार जोड़िए। लेकिन इसको फुल चार्ज कर लीजिएगा दोस्तों, चार्जर से या DC मशीन से भी चार्ज, यहाँ और यहाँ सटा के रखिएगा माइनस प्लस ना, तो चार्ज हो जाता है आधा घंटा 15 मिनट में दोस्तों। तो आज इस तरह इसका भी मतलब यूज में ले सकते हैं, दो बैटरी जोड़ दीजिएगा तो बहुत तगड़ा बन जाएगा दोस्तों। आपको शॉर्ट किलर ज़्यादा महंगा खरीदना भी नहीं पड़ेगा, घर में जुगाड़ हो जाएगा। चलिए आज हम इसको आपको आइटल बैटरी को बताते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं चार्ज है कि नहीं दोस्तों। ऐसे भी इस जला हुआ है, थोड़ा कस्टमर जला दिया है। तो चलिए आज इसका हम बता इसको बना के आपको दिखाते हैं, एक मोबाइल को भी शॉर्ट निकाल के दिखाएंगे दोस्तों किस तरह निकलता है। अब वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आज जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिए, मैं इसी तरह वीडियो ट्रिक लाते रहता हूँ, और लाइक भी कीजिए दोस्तों। चलिए मैं इसको उतार लेता हूँ दोस्तों, इसका भी किट का काम नहीं है दोस्तों, केवल इस दो पॉइंट का काम, इधर का काम नहीं दोस्तों, क्योंकि इधर दीजिएगा दोस्तों तो काम नहीं होगा। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं उदाहरण के लिए, देखिए जैसे मैंने इसमें बनाया, इसका मशीन नहीं हटाए हैं, देखिए इसको जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे, देखिए स्टॉप हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका अंदर जो IC है ना, वो जैसे इधर सटता है तो इधर का सप्लाई छोड़ देता है दोस्तों। इसलिए मतलब आपको इस किट को नहीं लगाना है डायरेक्ट, इस किट को यूज नहीं करना है, को डायरेक्ट बैटरी को यूज करना है दोस्तों। देखते हैं इसमें चार्ज है कि नहीं दोस्तों। इसमें चार्ज नहीं है दोस्तों, तो आप चार्ज कर सकते हैं दोस्तों इस तरह माइनस प्लस देख के, इस तरह में लगा सकते हैं, ये बोरा डाउन है दोस्तों। चलिए इसको आज हम नहीं बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं दोस्तों, आप सेम कर सकते हैं, एक किट का काम नहीं लगेगा इस तरह। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये चार्ज है दोस्तों, मैं देख लेता हूँ, हाँ ये चार्ज है दोस्तों। तो आपको किट को निकाल लेना है दोस्तों इस तरह, केवल इसका इसका काम लगेगा, आपको एक बार यहाँ से जोड़ना है दोस्तों, एक बार वहाँ, इसमें भी चार्ज नहीं है दोस्तों, आप चार्ज कर लीजिएगा दोस्तों।
आप इस तरह भी चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे इसमें माइनस प्लस कैसे है पता यदि करना हो तो आप पता कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे ई वाला लाल है दोस्तों, ई वाला काला है, कैसे पता किए, क्योंकि उसमें माइनस का चिन्ह नहीं आया दोस्तों। देखिए जैसे उल्टा करेंगे तो वहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो सोचिए उल्टा लगाए हैं, सीधा रहेगा तो कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि लाल वाला है ये काला वाला है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों और इस मोबाइल में आपको ट्राई कराएंगे। वीडियो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों। और इसमें इस तरह सोल्डिंग नहीं, पहले सोल्डिंग नहीं हो रहा था, अभी सोल्डिंग हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सोल्डिंग हो गया। देखिए दोस्तों सोल्डिंग हो गया, इसको इस तरह मोड़ लेना है। अब वीडियो फुल देखा कीजिए दोस्तों, समझ में आएगा। इस तरह करके आप कोई डिब्बा में भी रख सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं टेप साट लेता हूं दोस्तों। चलिए अभी के लिए इतना ही साटते हैं दोस्तों, बाद में चलिए अभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों चार्ज थोड़ा कम है दोस्तों, चार्ज रहेगा ना तो पूरा शॉर्ट कट, मतलब शॉर्ट लेकिन हाफ शॉर्ट नहीं निकलेगा दोस्तों, इसका फुल शॉर्ट निकल जाएगा। चलिए मैं ट्रिक को आजमाते, ये बोर्ड शॉर्ट है दोस्तों, चलिए आपको चेक करा देते हैं। देखिए दोस्तों शॉर्ट है, और डीसी सप्लाई में भी दिखाते हैं दोस्तों। देखिए शॉर्ट है दोस्तों, देखिए शॉर्ट है, और आपको इसमें भी दिखाएंगे, इससे शॉर्ट नहीं निकलेगा दोस्तों क्योंकि इस बैटरी में लगा हुआ है। देखिए आया चला गया, देखिए डाउन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा काम कर देता है दोस्तों, हाफ शॉर्ट कर दिया इसको, फुल शॉर्ट था दोस्तों तो हाफ शॉर्ट कर दिया इसको। तो फुल शॉर्ट था तो हाफ शॉर्ट कर दिया इसको। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको, इसमें थोड़ा हाफ शॉर्टिंग कर दिया था दोस्तों। तो आपको करना क्या है, कुछ भी को चेक करना है तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ लगा दीजिएगा, पेट्रोल या थिनर दोस्तों, उसके बाद चेक करना है आपको। देखिए दोस्तों इधर से थोड़ा सा चार्ज कम है दोस्तों, इधर से कम मार रहा है, देखिए मार रहा है दोस्तों, 100% वर्क करेगा दोस्तों, मेरा चार्ज थोड़ा कम है। देखिए दोस्तों इसमें 100% वर्क करेगा दोस्तों। चलिए इसको हटाते हैं, इसको तो उस मशीन में लगाए थे तो हाफ शॉर्टिंग थोड़ा कर दिया था दोस्तों। चलिए उदाहरण के लिए मैं इस फ़ोन को लेता हूं दोस्तों, अब मैं शॉर्ट कर देता हूं इधर कहीं, क्योंकि कोई भी डायोड या रजिस्टर, डायोड ही शॉर्ट रहता है, रजिस्टर तो नहीं रहता है दोस्तों, डायोड हुआ या कैपेसिटर हुआ शॉर्ट रहता है, उसके बाद ही मोबाइल डेड हो जाता है दोस्तों। तो डीसी सप्लाई से शॉर्ट नहीं निकलता है दोस्तों, उससे बीप करने लगता है, खुद दिखाएंगे। जैसे ये शॉर्ट है दोस्तों, अभी शॉर्ट कर दिए, जैसे हम डीसी सप्लाई से करेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए शॉर्ट बता रहा है, और इसी से भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, उसमें तो एक थोड़ा पावर था इसलिए हाफ शॉर्ट कर दिया दोस्तों, फुल शॉर्ट था। देखिए
कट हो जाता है दोस्तों, इधर से कट हो जाता है, लेकिन आपका ये वाला कट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसको उड़ा देगा अभी, देखिए दोस्तों, देख लीजिए, हटा दिए तो आपका कहीं भी शॉर्ट रहेगा दोस्तों, ये हटा देगा तो 100% वर्किंग करेगा दोस्तों। इसमें और एक बैटरी जोड़ दीजिएगा ना तो और तगड़ा बन जाएगा दोस्तों, लेकिन हाफ शॉर्टिंग नहीं निकलेगा दोस्तों। हाफ शॉर्टिंग वही थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा गर्म होगा ऐसी या कोई भी चीज़, लेकिन इस तरह जो शॉर्टिंग होगा आपके पास, जैसे छोटा ऐसी हुआ चाहे कैपेसिटर हुआ, तो आपको धुआं मार देगा दोस्तों। आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा पेट्रोल देना है, उसके बाद इस तरह चेक कीजिएगा तो आपका 100% हो, मतलब धुआं निकाल देगा, मतलब रिमूव कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जोड़े तो कैसे रिमूव हो गया, उसी तरह आपका हो जाएगा। तो आप इस तरह बना सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।